नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका। करण जौहर के ऑफिस के बाहर दिखे वरुण और आलिया, क्या फिर साथ में करेंगे काम? वरुण धवन और आलिया भट्ट इंडस्ट्री की क्यूट जोड़ियों में गिने जाते हैं। दोनों ने साल 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। फिल्म सुपरहिट रही थी और दोनों के अभिनय की काफी तारीफ भी की गई थी। ऐसा लग रहा है कि दोनों एक बार फिर से किसी फिल्म में साथ काम कर सकते हैं। वरुण और आलिया को करण जौहर के ऑफिस के बाहर स्पॉट भी किया गया। वरुण धवन और आलिया भट्ट की कुछ तस्वीरें सामने आई है जिसमें दोनों करण जौहर के ऑफिस धर्मा प्रोडक्शन में जाते नजर आए। इस दौरान दोनों ब्लैक कलर के आउटफिट में दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों पर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से दोनों सितारे किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। दोनों इसी साल 2019 में कलंक फिल्म में साथ नजर आ चुके हैं। इसके अलावा वो हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया और बद्रीनाथ की दुल्हनिया में भी काम कर चुके हैं। फिल्म में दोनों की बॉन्डिंग को दर्शकों ने काफी सराहा था। वर्क फ्रंट की बात करें तो आलिया भट्ट सड़क 2 की शूटिंग कंप्लीट कर चुकी है। फिल्म का डायरेक्शन उनके पिता महेश भट्ट कर रहे हैं। इसके अलावा वो ब्रह्मास्त्र में रणबीर कपूर के ऑपोजिट नजर आएंगे। वही वरुण धवन की बात करें तो वो रेमो डिसूजा की फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D में श्रद्धा के ऑपोजिट नजर आ सकते हैं। इसके अलावा वो पिता डेविड धवन के निर्देशन में बन रही फिल्म कुली नंबर 1 के रिमेक में सारा के ऑपोजिट नजर आएंगे। वे अगर आलिया भट्ट के वर्क फ्रंट से हटकर बात की जाए तो आलिया भट्ट इन दिनों रणबीर कपूर के साथ अपने रिश्ते को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। लंबे वक्त से रणबीर और आलिया के रिश्ते की चर्चाएं बॉलीवुड के गलियारों में की जा रही है। खबर है कि ये कपल अगले साल की शुरुआत में शादी के बंधन में बन सकता है। हालांकि इन दोनों की तरफ से इन सभी खबरों को महज अफवाह बताया गया है। बहरहाल इस वीडियो में नहीं, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।